أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. نحمده ونصلي على رسوله الكريم، أما بعد، قال الله تبارك وتعالى: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. صدق الله العظيم. محترم بھائیو، بزرگو، دوستو، ہم لوگ हर जुमा को सीरत के बयाना सुन रहे हैं। यह हमारा सीरत का 20वां जुमा है। पिछले जुमा को हमने सुना था अल्लाह के प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मुबारक सुन्नतों के बारे में। तो हम लोग यहाँ तक पहुँचे थे कि अल्लाह के प्यारे हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का खाना खाने का तरीका कैसा था, कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को खाने में सबसे ज़्यादा शरीद पसंद था, और कद्दू भी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बड़े शौक़ से तनाउल फरमाते। और ये भी हमने सुना था कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक ग़ुलाम की तरह से बैठते थे, आजीज़ी इनकसारी और तवाज़ों की वजह से। उसी ज़ेल के अंदर बहुत सारी बातें रह गई थी। उसमें एक ये भी था कि जब भी कभी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में मौसम का नया फल पेश किया जाता, तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उस फल देने वाले के लिए दुआ करते, अल्लाहुम्मा बारिक लना फी समरिना व बारिक लना फी साइना व बारिक लना फी मुद्दीना व बारिक लना फी मदीनतीना। और उसके बाद वो फल मजलिस में जो सबसे छोटा बच्चा होता था, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उसको दे देते थे, और फल भी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम शौक से तनावुल फरमाते थे। शरीद जिसका हमने जिक्र सुना है, यानी गोश्त का जो शोरबा होता है उसमें रोटी के टुकड़े तोड़कर डाल दिए जाते हैं, उसके बाद जो खाना पकता है उसको शरीद कहते हैं। ये अल्लाह के प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत है। आपने उसको भी शौक से तनावुल फरमाया। और पीने की चीज़ों में हमने ये सुना था कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मीठा और ठंडा पानी सबसे ज़्यादा पसंद था। उसके अलावा शहद भी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पीते थे, शरबत भी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को पसंद था। इसी तरीके से आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को फल जो होते थे, तरबूज है, ककड़ी है, खजूर है, ये भी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बहुत ज़्यादा पसंद थे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का सोने का तरीका कैसा था? हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा फरमाती हैं, अल्लाह के प्यारे हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रात के अव्वल हिस्से में सो जाया करते थे, जल्दी से जल्दी। इसीलिए हदीस में आपकी सुन्नत भी है कि रात को जल्दी सोने की फिक्र करना। और हमारे ज़माने में हम रात को लेट से लेट सोते हैं, इसलिए हमारी फजर की नमाज भी छूट जाती है। और अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ये मामूल था कि आप ईशा के फौरन बाद सो जाते थे, और फिर जब एक तिहाई रात बाकी होती थी उस वक्त आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उठते थे, वुज़ू फरमाते थे और तहज्जुद की नमाज पढ़ते थे। और तहज्जुद की नमाज पढ़ने के बाद फिर फजर से थोड़ी देर पहले आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम लेट जाते थे, और जब फजर की अजान होती थी हजरत बिलाल रजी अल्लाह ताला अन्हु तशरीफ लाते थे और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को आवाज़ देते थे। अगर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नींद में होते तो आप बेदार होते, वुजू करते और नमाज के लिए तशरीफ ले जाते।
और अगर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तहज्जुद पढ़ने के बाद बिस्तर पे लेटे लेटे जिक्र और तस्बीह पढ़ते रहते और आपको नींद नहीं आती तो आप उसी हालत में उठते और मस्जिद में जाकर फजर की नमाज पढ़ाते थे। ये आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत थी सोने के अंदर। और सोने का तरीका कैसा था? हजरत आयशा रजी अल्लाह ताला अन्हा फरमाती है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जो बिस्तर होता था एक चटाई थी जिसको बिछा दिया जाता था और आप उसी पर आराम करते थे। तकिया जो था उसमें खजूर की छाल भरी हुई होती थी और दाई करवट लेटते थे कि दाई करवट लेटकर दायां हाथ दाएं रुखसार के नीचे रखकर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आराम फरमाते। दाई करवट क्यों लेटते थे? उसके फायदे लिखे हैं मेडिकल साइंस में कि वैसा सोने से आपने जो खाना रात में खाया है वो अच्छी तरह से हजम हो जाता है। आप अगर उल्टी करवट लेटेंगे तो आपका जो मैदा है जिसमें खाना होता है वो जमीन पे दबा हुआ रहेगा तो खाना अच्छे तरीके से हजम नहीं होगा। फिर आप सुबह में उठेंगे तो भी आपको डकारें आएंगी, छाती में झलझल होता बहुत सारे लोगों के, क्यों? खाना सही ढंग से हजम नहीं हुआ। लेकिन सीधी करवट लेटेगा आदमी, दाई करवट लेटकर दायां हाथ दाएं रुखसार के नीचे रखकर सोएगा तो उसका मैदा ऊपर होगा और फिर वो अच्छे तरीके से पूरे खाने को हजम करेगा, खाना पूरी तरह से आदमी का हजम हो जाएगा। सुन्नत जिंदा करने का ये फायदा मिला। सवाब जो मिला वो तो बेशुमार मिला के 100 शहीदों का सवाब मिला, लेकिन फुकट के अंदर आपकी सेहत भी बन गई। और फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का सोने में मामूल ये था कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बावजू सोया करते थे, बगैर वजू नहीं सोते थे, वजू फरमा कर सोते थे। वजू करके सोने का फायदा यह है कि अगर उसी रात में आपको मौत आ गई तो आपका शुमार शहीदों में होगा। फिर बिस्तर पे आने के बाद आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम चारों कुल पढ़ते थे, कुल या अय्युहल काफिरून, कुल हुवल्लाहु अहद, कुल औज़ु बिरब्बिल फलक, कुल औज़ु बिरब्बिन नास। और ये चारों कुल पढ़कर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने हाथों पर उसको फुटकारते थे ऐसा इस तरीके से, और उसके बाद चेहरे पे, सर पे, बालों पे, बदन के सामने के हिस्से में, पीछे के हिस्से में, पूरे बदन पे जहाँ तक हाथ जाते वहाँ तक आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने हाथों को फेर लेते थे। और उसकी फजीलत बयान की। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जो आदमी रात को सोते वक्त चारों कुल पढ़कर ऐसा उसका एहतमाम करेगा, अल्लाह तबारक व तआला जादू से, सहर से, बुरी नज़र से, फितनों से, मौत के अलावा हर शर से उसकी हिफाजत फरमाएंगे। आजकल जो लोगों को शिकायत होती है कि हमको नज़र लग गई, या हमारे घर पे नज़र लग गई, या हमारे बेटे को नज़र लग गई, बेटी को नज़र लग गई, या हमको खुद को नज़र लग गई, या किसी ने हमारे घर में जादू कर दिया, या किसी ने हमारे घर पे असरात कर दिया, उसका सबसे बेहतरीन इलाज यही है, आप अपने घर पे रोज़ाना रात को सोते वक्त चारों कुल का एहतमाम करें, अपने बच्चों से भी कराएं, तो इंशाअल्लाह कयामत तक अगर किसी ने आपके घर पे बड़े से बड़ा भी जादू किया है उसका असर नहीं होगा और आपको नज़र भी नहीं लगेंगे। ऐसा नहीं है कि जादू नहीं होता, जादू होता है और नज़र भी लगती है, नज़र भी लग जाती है, जादू के असरात भी आदमी के ऊपर पड़ते हैं। इसलिए कि खुद अल्लाह के प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर उस जमाने में बहुत बड़ा जादूगर था जिसका नाम लुबैद इब्ने आसिम था, उसने जादू कर दी कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सर मुबारक के कुछ बाल और जिस्म के, क्योंकि ये जो जादूगर लोग होते हैं ये आदमी के बॉडी के जो पार्ट्स होते हैं उनका इस्तेमाल करते हैं गंदा जादू करने के लिए। तो इसके लिए कहा जाता है कि अगर हमने अपने दाढ़ी का बाल निकल गया या सर के भी बाल निकले तो उसको दो टुकड़े करके फेंकना चाहिए, उसको साबित नहीं रखने का कभी, दो टुकड़े करके फेंको। और नाखून भी अगर आपके निकलते हैं तो इसलिए हुक्म है कि उसको कहीं भी नहीं फेंकना,
बल्कि नाखूनों को काटने के बाद में उसको या तो बहते नाली के अंदर बहा देना या फिर कहीं पे गड्ढा खोद के दफन कर देना। कहीं भी फेंक दिया आपने, आपके दुश्मन के अगर हाथ में लग गए तो वो आपके जिस्म के किसी भी उज़्व को लेकर उसके ऊपर जादू कर सकता है। इसलिए कि अल्लाह के नबी पर उस जादूगर ने जादू, और जब जादू के असरात आप पर बढ़ गए, आपको तकलीफ होने लगी उसकी वजह से, तो अल्लाह तबारक व तआला ने ये चार सूरतें, ये जो दो सूरतें हैं आखिर की खास तौर पे, कुल औज़ु बिरब्बिल फलक और कुल औज़ु बिरब्बिन नास, इसको नाजिल फरमाया खास जादू के तोड़ के लिए। और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हजरत अली रजी अल्लाह तआला अन्हु को हुक्म दिया ये सूरतें नाजिल होने के बाद कि जाओ फुलाने कुएं के अंदर जो जादूगर है उसने जादू कर रखी है। ये सूरतें जब आपने पढ़ी उसके बाद में हजरत अली रजी अल्लाह तआला अन्हु उस कुएं में उतरे, उतरने के बाद उसके अंदर से उन्होंने एक पुतला निकाला जिसको चारों तरफ से सुइयां उसके अंदर घुसाई हुई थी। और जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इन सूरतों की तिलावत शुरू की तो वो खुद ब खुद सुई निकल के बाहर गिरने लगी। तो जादू वो जमाने में भी लोग करते थे, हमारे जमाने में भी करते हैं। इसलिए कि आज मुसलमानों में हसद और जलन सबसे ज्यादा बढ़ चुका है। कोई किसी दूसरे को हंसते हुए नहीं देख सकता, कोई किसी दूसरे को अच्छी हालत में नहीं देख सकता, किसी दूसरे को अच्छे गाड़ी पे नहीं देख सकता, अच्छे मोबाइल में नहीं देख सकता। किसी की अगर अच्छी शादी ब्याह हो रही है तो वो भी दूसरों को जो है पसंद नहीं आती, लोग जलना और हसद करना शुरू कर देते। तो कुछ लोग ऐसे होते हैं कि हसद और जलन में वो इतने ज्यादा गिर जाते हैं कि गिरने के बाद जब उनके दिल के अंदर वो जलन की आग ज्यादा भड़कने लगती है तो फिर वो ऐसे गंदे आमिलों का सहारा लेकर जादू वगैरह का काम करा के लेते हैं। आज के जमाने में भी बहुत सारे लोग हैं। एक जगह पर एक नौजवान को दो तीन जगह से रिश्ता आया लड़की वालों, उसके माँ बाप ने रिजेक्ट कर दिए। रिजेक्ट करने के बाद एक चौथी जगह पे उन्होंने रिश्ता किया तो उनमें एक उनके बहुत करीबी रिश्तेदार भी थे, उन्होंने पूरा एड़ी छोटी का जोर लगाया कि हमारे बच्ची की शादी इसी लड़के के साथ होना चाहिए। मगर वो लड़का तैयार नहीं था, इसलिए कि जो शादी जोर जबरदस्ती से की जाती है वो ज्यादा दिन टिकती भी नहीं है। उसने कहा मुझे नहीं करना। अब चौथी जगह जब शादी की गई तो ये जिन्होंने एड़ी छोटी का जोर लगाए थे इन्होंने काले जादू का सहारा लिया और उस लड़के के ऊपर पता नहीं अल्लाह जानता ऐसा जादू किया, वो बेचारा आधा पागल हो गया। और घर छोड़ के जिस दिन उसकी शादी थी, असर के बाद में उसका निकाह था, जोहर की नमाज तक वो घर पर था, कपड़ों की तैयारी में, इसकी तैयारी में उसके ऊपर क्या हो गया, वो जोहर के वास्ते जो घुमा हुआ है तो आज तक नहीं मिला। यानी जोहर और असर के बाद निकाह था, जोहर के वास्ते जो गया आज तक अभी तक नहीं मिला, पता ही नहीं उसका कहां पर चले गया, किधर गया, कहां गया, गाड़ी में बैठ के कौन से गाड़ी से किधर से किधर निकल गया, कुछ पता नहीं। तो ये जो असरात हुए ये बुरी नजर की वजह से, शहर की वजह से। तो ऐसा नहीं है कि हमारे जमाने में जलने वाले, हसद करने वाले, बुरी नजर लगाने वाले नहीं है, आज के जमाने में भी मौजूद है, लेकिन उसका इलाज भी कुरान और हदीस में मौजूद है। उसका इलाज ये नहीं है कि हम नींबू हरी मिर्ची वाले बाबा लोगों के नाद को लग कर पैसे बर्बाद करें, वो सिर्फ आपको टोपी पिनाते रहेंगे, घुमाते रहेंगे, वो उनके पास में इलाज नहीं है। इलाज है कुरान में, इलाज है हदीस में। क्या इलाज है कि हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया जो आदमी रात को सोते वक्त में चारों कुल पढ़ेगा, दुनिया का बड़े से बड़ा जादू होने दो, ना उस पर उसका असर होगा ना उसके घर वालों पर असर। और ये आपका तरीका था। और फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि आयतल कुर्सी रात में सोते वक्त में पढ़कर सोना चाहिए, कि जो आदमी रात को सोते वक्त में आयतल कुर्सी पढ़ता है एक फरिश्ता रात भर उसके सिराने पे खड़े होकर उसकी हिफाजत करता है सुबह निकलने तक।
और मुंतखबा हदीस में लंबी चौड़ी हदीसें हैं उसके बारे में, आयतल कुर्सी की फजीलत में आप देखो उसको, बहुत सारी रिवायतें हैं उसमें। ये भी है हजरत अबू हुरैरा रजी अल्लाह तआला अन्हु की एक रिवायत कि उनके पास में कुछ खजूरें थी और शैतान रोजाना आ रहा था उन खजूरों को खाने के लिए, मगर जब ये आयतल कुर्सी पढ़ते थे अल्लाह के नबी ने इनको आयतल कुर्सी तलकीन की। जिस दिन इन्होंने आयतल कुर्सी की तिलावत की उस दिन रात से शैतान का आना बंद हो गया। अल्लाह के नबी ने कहा कि अबू हुरैरा वो शैतान था और तुम आयतल कुर्सी पढ़ा करो। जब उन्होंने आयतल कुर्सी के पढ़ने का जिस दिन से एहतमाम किया उस दिन से शैतान का आना बंद हो गया। तो कुरान में इलाज मौजूद है, हदीस में भी इलाज। तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सोने का तरीका ऐसा कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सोने से पहले चारों कुल पढ़ने का एहतमाम फरमाते थे और उसको ऐसा हाथों पे ऐसा थुटकार देते थे, फिर चेहरे पे, पीठ पे, पूरे बदन पे, दोनों हाथों पे मल लेते थे। और चारों कुल के साथ आपने फरमाया कि आयतल कुर्सी पढ़ने का एहतमाम करो तो अल्लाह एक फरिश्ते को मुकर्रर करेगा, वो रात भर तुम्हारी हिफाजत करेगा। उसके बाद फिर बावजू सोना चाहिए, वजू करके बिस्तर के ऊपर आना चाहिए और बावजू सोना चाहिए। और फिर उसके बाद अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ये भी सुन्नत थी कि आप दुआ करते थे सोने से पहले, अल्लाहुम्मा किनी अज़ाबका यौम तजमउ इबादत, और एक एक दुआ है अल्लाहुम्मा बिस्मी का अमूतु व अहिया, ये भी एक दुआ है। और भी कई दुआएं हदीस की किताबों में हैं जो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मामूल था सोने से पहले उसका एहतमाम करते थे। और फिर आप लेट जाते थे, दाईं करवट लेटकर दायां हाथ दाएं रुखसार के नीचे आराम करते थे और तहज्जुद के वक्त में आप उठ जाते थे। यह आपके सोने का मामूल था जो मैंने इससे पहले भी बताया। तो सोने की ये सुन्नतें हैं जिनको हमने जिंदा करना चाहिए। और फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने सहाबा इकराम के साथ में मिजाह भी फरमाते थे। मिजाह किसे कहते हैं? मिजाह कहते हैं हंसना या दूसरे को हंसाना या दूसरे की बात पर हंसना। यानी बस ये नहीं था कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम 24 घंटे हमेशा एकदम गमगीन रहते थे, बल्कि मिजाह भी फरमाते थे। और उसकी भी रिवायतें इमाम तिर्मिजी रहमतुल्लाह अलैह ने जमा की है कि एक बूढ़ी औरत आई आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में और उसने ये कहा कि हुजूर क्या मैं जन्नत में दाखिल हो जाऊंगी? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि बुढ़ियों के लिए जन्नत में नो एंट्री है, बूढ़ी औरतें जन्नत में दाखिल नहीं होंगी, जन्नत के गेट बूढ़ियों के लिए बंद है। तो बिचारी को बहुत बुरा लगा, अब वो रोते रोते घर पे गई, रोने लगी अपने बेटों के सामने, सबके सामने कि अल्लाह के नबी ने मुझसे ये कहा कि मैं तो जन्नत में कभी भी नहीं जाऊंगी। तो बेटे आए अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में, कहने लगे हुजूर आपने जब से कहा है बड़े भी का रो रो के बुरा हाल है। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये कहा कि वो बड़े भी को लेकर आओ। अब वो बड़े भी को लाया गया तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि बड़े भी क्यों रो रहे हो? वो कहने लगी कि हुजूर आपने तो कहा कि मैं जन्नत में नहीं जाऊंगी। अल्लाह के नबी ने कहा कि अरे तुम जन्नत में जाऊंगी लेकिन बुढ़ापे की हालत में नहीं जाऊंगी, अल्लाह तुमको जन्नत में दाखिल करने से पहले जवान बनाएगा, तुम्हारे बुढ़ापे को खत्म कर देगा। इन्ना इंशाना हुन्ना इंशा फजालना हुन्ना अबकार, अल्लाह ने कुरान में कहा कि उनको पहले जवान बनाया जाएगा। तो अल्लाह ने कहा कि बड़े भी अभी तो तुम बूढ़ी हो, तुमको बुढ़ापे की हालत में अल्लाह आई थी बुढ़ा जन्नत में नहीं दाखिल करेगा, बल्कि जन्नत में दाखिल करने से पहले खूबसूरत बनाएगा, तुम्हारे को तुम्हारी जवानी वापस लौटाएगा, उसके बाद जवान करके तुमको जन्नत में दाखिल करेगा। उसके बाद बड़े भी बहुत खुश होके हंसते हंसते वापस घर को चले। तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मिजाह भी फरमाते थे। एक देहाती सहाबी आए आपकी खिदमत में, उन्होंने कहा कि हुजूर मुझे एक ऊँट चाहिए, आप मुझे एक ऊँट दे दीजिए। आपने कहा कि भाई मैं तुझे ऊँट तो नहीं दूंगा, ऊँट का बच्चा दे दूंगा। तो कहने लगे कि हुजूर ऊँट का बच्चा ले जाकर मैं क्या करूँगा? तो
तो आपने कहा कि अल्लाह के बंदे, अगर मैं तुझे बड़ा ऊंट भी दूं तो वो भी तो किसी ऊंट का बच्चा ही है, इसलिए मैंने तुझसे कहा कि मैं तुझे ऊंट का बच्चा दूं। और एक सहाबी थे, वो देहात के रहने वाले थे, वो जब भी देहात से अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में आते तो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए हदिये तोहफे लेकर आते थे। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उनके हदिये तोहफे को कबूल फरमाते और फिर उनको जो है अपनी तरफ से भी बहुत सारे हदिये देते, उनकी देहात की चीज़ें ले लेते और शहर की बहुत सारी चीज़ें उनको देते। तो उनको अल्लाह के नबी से ख़ास मोहब्बत थी और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को भी उनसे। एक दिन वो देहाती सहाबी बाजार के अंदर कुछ सामान बेच रहे थे, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पीछे से खामोशी में गए और आपने उनको पकड़ लिया ताकि वो पीछे ना देख सके। और फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आवाज़ लगाई कि इस गुलाम को कौन खरीदेगा। तो आपकी आवाज़ सुनने के बाद वो पहचान गए कि आप अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। तो उन्होंने अपने सीने, अपने पीठ को आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सीने से चिमटा दिया ताकि नबुव्वत का जो नूर है वो इनको भी मिल सके। समझ गए कि अल्लाह के नबी है, आवाज़ से पहचान लिया और फिर कहने लगे कि हुजूर, मैं तो एकदम नाकारा गुलाम हूँ, जो भी मुझे खरीदेगा वो मुनाफे में नहीं रहेगा, वो घाटे में ही रहेगा। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि नहीं नहीं, तुम घाटे वाले गुलाम नहीं हो, अरे तुम तो बहुत नफे वाले गुलाम हो कि अल्लाह ने तुमसे जन्नत का वादा लिया है, तुम जन्नत में जाने वाले। तो ये जो रिवायतें हैं इनसे ये मालूम होता है कि अल्लाह के प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कभी कभार अपने सहाबा इकराम रिज़वानुल्लाहि ताला अलैहिम अजमाइन के साथ में मिजाह भी फरमाते थे। लेकिन आपका जो मिजाह होता था वो अदब के दायरे में होता था, बेअदबी के दायरे में नहीं होता था, अदब के दायरे में रहकर। और फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो हंसते थे तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का हंसना वो मुस्कुराना था। सहाबा इकराम कहते हैं कि हमने प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कभी भी खिलखिलाकर हंसते हुए नहीं देखा। आप खिलखिलाकर नहीं हंसते थे बल्कि आप मुस्कुराते थे। और सहाबा ये कहते हैं कि जब प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुस्कुराते थे तो आपके जो दंदान मुबारक है वो मोतियों की तरह से चमकने लगते थे, आपका हंसना ऐसा कि आपका हंसना वो मुस्कुराना था, आप मुस्कुराते थे, खिलखिलाकर हंसते नहीं थे आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। और आपका मिजाज जो था वो अदब के दायरे में था। इसके बाद आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सहाबा इकराम रिज़वानुल्लाही ताला अलैहिम अजमाइन की बीमारियों में इयादत भी किया करते थे। हजरत जाबिर रजी अल्लाहु ताला अन्हु कहते हैं कि मैं बीमार हुआ तो अल्लाह के प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पैदल ही मेरे घर पर तशरीफ लाए मुझे देखने के लिए कि मैं कैसा हूँ, मेरा हाल कैसा है, ये देखने के लिए अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पैदल ही मेरे घर पे तशरीफ ले आए। तो इस हदीस की तशरीह उन्होंने की है कि आप कितने ज़्यादा तवाज़ो, आजीज़ी और इंकसारी वाले थे, कितना आपके अंदर तवाज़ो था कि आपको जब सवारी नहीं मिली तो भी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पैदल ही निकल गए अपने एक सहाबी की इयादत करने के वास्ते। और उसके बाद फिर आगे लिखा है आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नतों में कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमेशा आखिरत की फिक्र में मगमूम रहा करते थे। सहाबा कहते हैं हमने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को देखा, हमेशा आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ऊपर आखिरत की फिक्र सवार रहती थी। इसलिए अगर कोई आता आपको दुनिया का कोई फ़ायदा बताता, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उस दुनिया के फायदे को फौरन आखिरत की तरफ मोड़ देते। कि एक सहाबी आए खंदक के मौके पर और कहने लगे कि हुजूर, मैंने आज तो बहुत मुनाफा कमाया, मैं माल खरीदता रहा बेचता रहा, मुझे इतने इतने दिरहम चांदी नफे में मिल गई। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा, उन्होंने जो इतना नफा दुनिया का बताया आपने उस दुनिया के नफे को फौरन आखिरत की तरफ पलट दिया। और फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनको नमाज की फजीलत बताई, कहा कि मैं तुमको इससे भी ज़्यादा नफ़े वाली चीज़ बताऊं,
कहा कि हुजूर जरूर बताइए। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि रोजाना फजर की नमाज के बाद अपनी जगह पे बैठे रहा करो, यहाँ तक कि सूरज तवा नेजे पर पहुंच जाए, और उसके बाद दो रकात नमाज पढ़ा करो इशराक की। तो तुम्हारा ये दो रकात नमाज का पढ़ना, ये इतनी जो तुमने 300 औकिया चांदी या उससे ज्यादा जो खरीदी और बेची है अल्लाह तबारक व ताला के नजदीक, ये उससे ज्यादा अफजल। फौरन आपने दुनिया के नफे को आखिरत की तरफ पलट दिया। तो ये भी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत है कि आप हमेशा आखिरत की फिक्र में मगमूम रहते थे, और जब भी कोई सहाबी आके किसी भी लाइन से आपको दुनिया के नफे की बात सुनाते, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उस दुनिया के नफे को फौरन आखिरत की तरफ मोड़ देते। और ये सुन्नतें क्यों बयान की जा रही है? इसलिए बयान की जा रही है क्योंकि अल्लाह के प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जितनी सुन्नतें हैं उसमें हमारी दुनिया की भी कामयाबी है और आखिरत की भी कामयाबी। सुन्नतों के अलावा दुनिया में जितने भी तरीके हैं, जितने भी, चाहे वो अंग्रेजों का तरीका हो, चाहे वो एक्टर्स का तरीका हो, चाहे वो खिलाड़ियों का तरीका हो, चाहे वो दुनिया की हाई फाई सोसाइटीज के तरीके हो, चाहे वो दुनिया में किसी का भी तरीका हो, याद रखो उस तरीके में सिर्फ और सिर्फ 100% नाकामी, बस उसके अलावा कुछ भी नहीं है। और अल्लाह के प्यारे हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जो तरीके हैं 100% आपके तरीके में कामयाबी। हजरत अनस रजी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं कि हम लोग अल्लाह के प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में रहा करते थे, तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब कहीं बाहर से तशरीफ लाते और सहाबा इकराम अगर बैठे हुए रहते थे तो आपके आने के बाद में अदब से कोई भी खड़े नहीं रहता था। जैसे हमारे ज़माने में मामूल है कि कोई बड़ा आदमी अगर मजलिस में आ गया या कहीं पे कुछ प्रोग्राम चल रहा है वहाँ पे कोई बड़ा आदमी आ जाए तो सारे लोग अदब की वजह से खड़े हो जाते हैं। लेकिन अल्लाह के प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमको मना फरमाया कि जब मैं मजलिस में आऊँ तो मेरे लिए मत खड़े हुआ करो, मना कर दिया आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सहाबा इकराम को खड़े होने खड़े होने से मना फरमा दिया। क्यों? तवाज़ो की वजह से, आजिज़ी की वजह से, इनकिसारी की वजह से, कि आप ये नहीं चाहते थे कि आपके सहाबा ताज़ीम के लिए खड़े हो। मगर हमारे ज़माने में उल्टा मामूल है कि हम लोग खुद लोगों से अपनी इज्जत चाहते हैं कि लोग हमारी इज्जत करें, लोग हमारी वाहवाही करें, और आदमी क्या करता है फिर खुद इज्जत हासिल करने के लिए लोग बड़े बड़े फ्लैग्स लगाते हैं अपने बर्थडे पार्टी के और अपने जन्मदिन के, और उसके ऊपर लोगों के दूसरों के जो है नाम लिख देते कि इनकी तरफ से, उनकी तरफ से, फलाने की तरफ से। यानी ये चाहते हैं कि लोग हमारी वाहवाही करें, हमारी इज्जत करें, हमारी ताजीम करें। और उधर अल्लाह के प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सहाबा को मना फरमाया कि जब भी कभी मैं मजलिस में आऊं तो मेरे लिए खड़े मत रहा करो। इतनी आजीजी, इतना तवाज़ो। हजरत अनस रजी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आजीजी का यह आलम था कि जब आप हज के लिए तशरीफ ले गए, मैं आपकी खिदमत में साथ में था, आपके पास जो कपड़ा था ऊंट के ऊपर बिछाया हुआ उसकी कीमत 4 दिरहम से ज्यादा नहीं थी, हालांकि दूसरे जो आम लोग थे उनके पास बड़े बड़े महंगे महंगे कपड़े थे ऊंटों के ऊपर जो डाले हुए होते हैं घोड़े पे ऊंट के ऊपर। और आपका ये आलम था कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जो पालान था ऊंट पर का उसकी कीमत 4 दिरहम से ज्यादा की नहीं थी। और इतनी आप में आजीजी थी, इतनी तवाज़ो थी कि आपकी एक जीरा थी जो एक यहूदी के पास में रहन रखी हुई थी, हालांकि मामूली कीमत थी उसकी, मगर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दुनिया से तशरीफ ले गए मगर वो रहन जो रखी हुई जीरा थी आप उसको आखिर तक छुड़ा नहीं सके। हालांकि अल्लाह ने ऐसे फुतुहात के दरवाजे खोला था मुसलमानों पर एक वक्त में कि हुनैन और खैबर के सारे खजाने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के खिदमत में पड़े हुए थे, मगर आपने अपनी जीरा नहीं छुड़ाई। क्यों? तवाज़ो की वजह से।
आजीजी की वजह से, इनकी सारी की वजह से ये आलम था। इसीलिए मेरे भाइयों कहा जाता है कि देखो सुन्नतों में कामयाबी है, सुन्नतों में 100% ये तमाम सुन्नतें आपकी है। और आज जो मुसलमान नाकाम है, आज जो मुसलमान परेशान है हर लाइन में, चाहे वो रहन सहन की लाइन हो, चाहे वो घरों की जिंदगी हो, चाहे हमारे शादी ब्याह हो, चाहे हमारे फंक्शन हो, चाहे हमारे कारोबार हो, चाहे हमारी पर्सनल लाइफ हो, हर लाइन में आज जो कोई भी परेशान है वो सिर्फ और सिर्फ सुन्नतों को तोड़ने की वजह से परेशान है। अगर हमारी जिंदगियां सुन्नतों पर आ जाएगी, अल्लाह तबारक व ताला इस तबाही और बर्बादी से हमारी हिफाजत करेंगे। आज हमारी जिंदगियों में सुन्नतें ही नहीं है, उसी वजह से हम परेशान हाल हैं। आप सोचो आज क्यों हम कर्जों में डूबे हुए हैं कि हमारे जो लेन देन है वो सुन्नतों के खिलाफ है। हमारी दुकानें क्यों खसारे में हैं, इसलिए कि हमने अपनी दुकानों से अल्लाह के हुक्म और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तरीके को निकाल दिया। हमारी शादियां क्यों ज्यादा दिन नहीं टिकती है, हमारे घरों में क्यों झगड़े शुरू होते हैं, क्यों उसकी बुनियाद सुन्नतों के खिलाफ पड़ती। अगर सुन्नतों के मुताबिक ये सारी चीजें होती थी, सारे आमाल होते थे, तो फिर फितने फसाद की बात ही नहीं पैदा होती थी। हर चीज में, हर चीज में, यहां तक के नमाजों के अंदर भी अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया उसमें भी सुन्नतों का एहतमाम करना चाहिए। और नमाजों में आपकी सुन्नत कैसी थी कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सूरतें तय की हुई है कि फजर की नमाज में यहां से लेके यहां तक सूरे पढ़ना चाहिए, ईशा की नमाज में वस्समाई जातिल बुरुज तक सूरे पढ़ना चाहिए, वहां से लेके तो इजा जुलजिलत तक पढ़ना चाहिए, और मगरिब की नमाज में आखिर की छोटी छोटी सूरतें पढ़ना चाहिए। नमाज में भी सुन्नतें सिखा कर गए अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, लेकिन अगर हम सुन्नत की खिलाफ वर्जी करेंगे नुकसान हमारा होगा। अभी दो चार दिन पहले एक मस्जिद में मुझे मगरिब की नमाज पढ़ने का मौका मिला, तो एक साहब नमाज पढ़ा रहे थे। अब नमाज में उन्होंने एक लंबी चौड़ी सूरत शुरू कर दी जो नमाज जो सूरत ईशा की नमाज में पढ़ाने की, और बार बार अटकने लगे। एक बार अटके, दो बार अटके, तीसरी बार अटके तो पीछे से लोगों ने लुकमा देना शुरू किए। अब वो रुकू होने से पहले उनको तीन मर्तबा अटके और तीन मर्तबा लोगों ने लुकमा दी, फिर वो एक रकात मुकम्मल हो गई। दूसरी रकात में खड़े हुए तो उसी सूरत का थोड़ा हिस्सा बाकी रह गया था, वो पढ़ना शुरू करे। फिर अटके तो फिर लुकमा दिए, क्योंकि वो सूरत ऐसी है आम लोगों को भी, जो लोग रोजाना नमाज के लिए आते उनको भी याद है। दूसरी मर्तबा अटके, यानी जैसा कि तरावी की नमाज में इमाम को बार बार लुकमा देना पड़ता है, मगरिब की नमाज में उनको 6 मर्तबा लोगों ने लुकमा दी। नमाज वगैरह सब कुछ हो गई, उसके बाद में मैं उनको मिला, और मिलने के बाद मैंने उनसे ये कहा, मैंने बोला देखो भाई सुन्नतों में कामयाबी, सुन्नतों के मुताबिक अगर हम चलेंगे, अल्लाह के नबी ने हमको सूरतें भी सुन्नत बता कर गए कि मगरिब की नमाज में ये सूरे पढ़ना, ईशा की नमाज में ये पढ़ना, फजर की नमाज में ये पढ़ना। तो वो मुझे कहने लगे कि बोले मौलाना जो सूरत मैंने पढ़ा, जो तुम मेरे को बोल रहे फर्ज थोड़ी छे, बोले वो फर्ज थोड़ी छे, सुन्नत ही छे ना, बोले वो फर्ज अगर रहता तो बात अलग थी, कौन सा भी सूरा पढ़ सकते कौन सी भी नमाज में। अरे मैंने बोला आपकी बात बिल्कुल सही है, लेकिन देखो सुन्नतों के खिलाफ चलेंगे ना तो ऐसा पचका होगा और कचरा होगा खुद का। तुम्हारा ये हाल हो गया, मैं बोला जो आम लोग है, आम लोग वो भी लुकमे दे रहे और वो भी 3-3 बार दे रहे, मैं बोला तुमको एक एक रकात में, यानी तुमने मगरिब की नमाज में तुमको 6 मर्तबा लोगों ने लुकमा दिए, तो फर्ज के चक्कर में पचका करके काय को लेते, सुन्नत के मुताबिक पढ़ो ना, अपनी इज्जत का खुद काय को पंचनामा कर रहे। मैं बोला जो सुन्नत है छोटी छोटी सूरतें, अरे वो तुम पढ़ो, सुन्नत के मुताबिक चलेंगे, नुकसान नहीं होगा, ठोकर नहीं लगेंगे तुम्हारे को कभी। और अगर तुम ये बोलेंगे कि नहीं नहीं फर्ज थोड़ी छे, बोले वो सुन्नत ही छे ना, तो इसमें दो चीजें हैं, एक तो इसमें सुन्नत की तुम तौहीन कर रहे हो, सुन्नत को हल्का समझ रहे हो। जैसे बहुत सारे लोग बोलते सुन्नत ही छे ना, फर्ज थोड़ी छे वो, तो फिर क्या होता, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हुक्म की तौहीन करने की वजह से अल्लाह जलील व खार कर देता। सुन्नत की अहमियत दिल में होना चाहिए।
भले ही हम उसके ऊपर अमल ना करें, फिर भी हमारे दिल में उसकी अजमत होना चाहिए। इसलिए कि अल्लाह तबारक व तआला जो इनामात देते हैं वो दिल में अदब, एहतराम और अजमत होने की बिना पर देते हैं। बहुत सारे इनामात जो अल्लाह देते हैं ना, वो अमल पर नहीं देते बल्कि हमारे दिल के अंदर उसकी अहमियत कितनी है, उसकी अजमत कितनी है, उसके ऊपर देते। तो सुन्नतों में ये फायदा है कि सुन्नतों के मुताबिक अगर हमारा हर अमल होगा, यहाँ तक कि अगर हमारा रहन सहन भी सुन्नत के मुताबिक, के टोपी पहनना अल्लाह के प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत, 24 घंटे मुसलमान के सर के ऊपर टोपी होना चाहिए। आजकल हमारे बहुत सारे फैशनेबल नौजवान हैं, उन्होंने दीन को शॉर्टकट बना लिया। ये ईसाइयत है मेरे मोहतरम बुजुर्ग। जैसा ईसाई लोगों ने, आप अगर किताबें पढ़ेंगे तो आपको मालूम होगा कि पहले ईसाइयत में भी नमाज फर्ज थी, ईसाइयों में भी शराब हराम थी। जो ओरिजिनल बाइबल है उसके अंदर आप देखो, शराब उनके ऊपर भी हराम है, नमाज उनके ऊपर भी फर्ज थी, रोजे उनके ऊपर भी फर्ज थे, सारे आमाल। इसलिए हमारी शरीयत में आज भी ये हुक्म है कि कोई ईसाई अगर आज भी पूरा पूरा 100% उस बाइबल के ऊपर अमल करता है जो अल्लाह ने हजरत ईसा अलैहिस्सलाम पर नाजिल की थी, उसके साथ में निकाह करना जायज है। इसलिए कि वो अहले किताब है, किताब पे अमल करने वाले। तमाम चीजें जो कुरान में हलाल और हराम है वो तमाम चीजें उसमें भी थी, मगर चूंकि बाद में जो नया जनरेशन उनमें पैदा होते गया, उन्होंने अपने दिल से जो है अहकामात को घड़ना शुरू किया। उनके उल्मा की मजलिस से बैठी, उन्होंने कुछ हराम चीजों को हलाल कर दिया, सूद को हलाल कर दिया, फिर शराब को भी हलाल कर दिया, फिर बोले नमाज कौन पढ़ते बैठेगा रोजाना, फिर नमाज को हफ्ते में एक दिन खाली संडे को कर दिए, फिर नमाज की शक्ल भी बदल दिए, जैसा हम नमाज पढ़ते हैं वो भी वैसी नमाज पढ़ते थे। अब वो नमाज को खत्म करके बोले कौन घुटने टेकेगा और पेशानी टेकेगा, अब नमाज के अहकाम को कम करके उन्होंने उसको खाली बैठने तक मौकूफ कर दिए। रोजे उनके ऊपर भी फर्ज थे, मगर फिर उन्होंने रोजे में कुछ खास खास चीजों को शामिल कर लिया, ये खा सकते ये नहीं खा सकते। तो ईसाइयत में अहले किताब जो थे, बाइबल का जो सत्यानाश उन्होंने किए, इस तरीके से किए। ऐसे ही मेरे मोहतरम बुजुर्गों, आज इस्लाम में भी, मुसलमानों में भी इस्लाम को शॉर्टकट करने वाले कुछ लोग पैदा हो चुके हैं। अब उन्होंने इस्लाम को शॉर्टकट करना शुरू कर दी। टोपी पहनना कोई जरूरी नहीं है, बोले बगैर टोपी के भी नमाज होती। हमारे मौलाना यूनुस साहब रहमतुल्लाह ने फरमाते थे, अरे बोले जिस शरीयत में हगना बगैर टोपी के जायज नहीं है, उसमें नमाज कहां से जायज हो सकती। जिस शरीयत में खाना और पीना बगैर टोपी के जायज नहीं है, उस शरीयत में नमाज बगैर टोपी के कैसे जायज हो सकती है, हो सकती है जायज। तो इन्होंने शॉर्टकट किया, टोपी पहनना नमाज में जरूरी नहीं है, सुन्नत के मुताबिक लिबास पहनना जरूरी नहीं है, और नमाज को भी शॉर्टकट किया। सुन्नत नफिल पढ़ना कोई जरूरी नहीं है, खाली फर्ज पढ़ो और अपना काम करो, बोले बस फर्ज पे आके टिक गए। खुदा की कसम याद रखो, ईसाइयत में भी ऐसे ही दीन को खत्म करने की शुरुआत हुई थी, इस्लाम में भी ऐसे ही घुस गए वे, जो इस्लाम को शॉर्ट करते 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 एक टाइम ऐसा आएगा ये बोलेंगे फर्ज पढ़ना भी जरूरी नहीं। हालांकि सुन्नत की वजह से ही मुसलमान पहचाना जाता है। भले ही आप 5 वक्त के नमाजी हो, दीनदार हो, सब कुछ हो, लेकिन अगर आपके सर पे टोपी नहीं है, आपको कोई पहचान नहीं सकता कि आप मुसलमान हैं बोल के। मैं आपको इसी शहर का वाकया सुनाता हूँ। हमारे एक दोस्त है, वो एक मस्जिद के अमीर साहब हैं। तो एक मरतबा मेरी मुलाकात हुई एक मैयत के सिलसिले में, कब्रस्तान में हम मिले। तो मैंने उनको बोला, यार मैं बोला ऐसा मैयतों के बहुत सारे मसले मसाइल रहते, तुम्हारा मोबाइल नंबर दो, आइंदा से ऐसा कुछ भी रहा ना तो मैं आपको कांटेक्ट करते रहूंगा। बोले ठीक है, बहुत अच्छी बात। बातों बातों में उन्होंने मुझे बताया कि बोले मौलाना, सुन्नतों पर नहीं चलने से कैसा नुकसान होता है। चंद दिनों पहले बोले हम लोगों को एक जगह से, यानी उनका एक जगह से ताल्लुक है कि वहां पे जब भी कोई मैयत आती है मुसलमान की तो वो इनके हवाले कर देते हैं, तो ये उनके कफन दफन का इंतजाम कर देते। चंद दिनों पहले ऐसा हुआ, बोले कुछ लोग तहकीकात के लिए हमारे पास में आए कि हमारा फुलाना रिश्तेदार जो है उसका इंतकाल हो गया,
और उसको तुमने यहाँ पे दफन किए, क्या वो घर से भागे हुआ था, मगर यहाँ पूना स्टेशन पे आए तो मालूम हुआ कि ऐसी ऐसी एक मैयत मिली थी, आए वो ये तस्वीर देख के, उन्होंने बोले नहीं ये तस्वीर वाले को तो हमने दफन नहीं किए बोले। उसके बाद में जहाँ पे जलाने वाले हैं वहाँ जाकर तहकीक किए, उनको पूछे जाके तो उन्होंने बोले हाँ ये ऐसी मैयत जो है फलाने फलाने तारीख को आई थी, हमने उसको जला दिए बोले। अब उसके जो रिश्तेदार थे पता चला कि वो सारे रिश्तेदार मुसलमान थे और वो जलने वाला भी मुसलमान था, मगर इस्लाम की कोई अलामत ही नहीं उसके पास, ना वो जो जलने वाला था, ना उसके सर पे टोपी थी, ना उसके चेहरे पे दाढ़ी थी, ना उसके पास और कोई सुन्नत की निशानी थी। फिर वो जलाने वाले या दफन करने वाले किस बात पे से पहचानते कि ये मुसलमान की मैयत? अरे कुछ तो सुन्नत की निशानी होना चाहिए। एक मर्तबा, अभी दो चार दिन पहले की बात है, एक जगह पे होटल में जाने का मौका मिला तो वहाँ पे वो वेटर था, मैंने बोला उसको दोन भजी यानी दोन चाहान। अब वो थोड़ा देरी करने लगा, मेरे साथ में एक साथी भी थे, मैं बोला अरे कशाला उशीर कर तो सामाला जायसा है, मैं बोला लौकर थोड़ा सर का लौकर कर। तो उन्हें मेरे को वहाँ से आवाज़ दिया, अरे ओ चीचा मेरा नाम शेख सलीम है ना, अनमेर को मराठी में बोल रहे क्या तुम? अरे मैं भी तुम्हारे कबीले का है बोले। उसका जो सेठ काउंटर पे बैठे हुआ था उसने आवाज दे के बोला, अरे तेरे के पिशानी पे लिखे हुआ है बोले तू शेख सलीम है, कम से कम टोपी पहनना बोले सिर में, तो लोगों को समझ में आएगा तू शेख सलीम है बोले। तो आज मुसलमानों का ये हाल हो चुका है। इसलिए मेरे भाइयों, सुन्नतों में 100% कामयाबी है, हमारी कामयाबी, हमारी तरक्की, हमारा सब कुछ सुन्नतों में छुपा हुआ है। इसलिए सुन्नतों को इख्तियार करेंगे, अल्लाह दुनिया में भी कामयाब करेगा और आखिरत में भी कामयाब करेगा, करेंगे सभी साथी इंशाअल्लाह। अल्लाह मुझे आपको सुन्नतों का एहतमाम करने वाला बनाए। जिनकी सुन्नतें बाकी है वो पढ़ ले भाई।